क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? इस छोटे से सफर के हमसफर का नाम कुछ भी हो, फर्क क्या पड़ता है? राहुल देखो, आज बहुत स्पेशल डे है और मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, प्लीज चलो ना। मैंने उससे लिफ्ट मांगी, उसने मुझे लिफ्ट भी दी। मैं उसके गाड़ी में क्या बैठ गई, वो तो मेरे दिल में ही बैठ गया। हाँ हाँ, हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, कोई भी लड़की तुम्हारे पीछे पड़ सकती है। अब नहीं बाबा। अरे कुछ जानवी से प्यार हो गया? और बेहद। जब जिंदगी का सवाल होता है ना, तो हमें अपने मैथ्स को बहुत कमजोर कर लेना चाहिए। मैं जानता हूं मणिमन, तुम मुस्कुरा रही हो ना, मेरी हालत पर तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना। फैसला मेरा ही था, लेकिन मैं खुद ही उसमें फंस गया हूं। जब मैंने तय किया था तो मुझे लगा था कि जानवी का बर्थडे बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन जब इंतजार करना शुरू किया तो तुम्हारा बर्थडे आता ही नहीं। पता नहीं ये दिन बड़े हो गए हैं या रातें लंबी, या फिर घड़ियों की सुइयों की शरारत है कि धीमे चलने लगी है। जिस दिन ये सारी बातें मैं तुम्हारे कानों में कह दूंगा, उस दिन ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा होगा। मैं तो कह डालूंगा अपने दिल की बात, बाकी राम जाने। रोहित चाय। बीवी जब पुरानी हो जाती है ना, तो पति को बीवी से ज्यादा न्यूज़पेपर में दिलचस्पी हो जाती है। रोहित तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि बस हूं किए जा रहे हो? सॉरी रश्मि, क्या कह रही थी? मुबारक हो जनाब, अब आपने मेरी बात को अनसुना करना भी शुरू कर दिया। हाँ अरे ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, पहले एक कप चाय पिलाओ ना। रोहित तुम्हारे सामने क्या पड़ा है, जरा देखिए जनाब। I'm so sorry. रोहित, इस तरह मेरा इस घर में गुजारा नहीं होने वाला। तुम, शालिनी दीदी, राहुल सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हो, मैं अकेली इतने बड़े घर में क्या करूं? तो तुम भी कोई काम करना शुरू कर लो। नहीं, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। क्या? बता दूँ? बताने तो वाली है, तो बता ही दीजिए। मैं एक प्यारी सी बहू की सास बनना चाहती हूँ। आप एक प्यारी सी बहू की सास बनना चाहती हैं? आप सास बनना चाहती हैं? रोहित तुम्हें हंसी आ रही है। जनाब अब अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर दीजिए, उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। अरे भाई, जब एक शादीशुदा इंसान शादी के बारे में सोचता है तो उसे, मेरा मतलब है सीरियसली सोचता है। तुम अभी भी मजाक के मूड में हो, तुम मुझे सीरियसली ले ही नहीं रहे रोहित। अरे सीरियसली कैसे ले सकता हूँ जानीमन, जरा सोचा है? अरे भाई राहुल बच्चा है, ये थोड़ी ना कोई उम्र है शादी करने की। अरे वाह, बेटे की बात आई शादी की तो उसकी उम्र छोटी लगने लगी। जरा जनाब आप सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए कि आप किस उम्र में मुझसे शादी करना चाहते थे। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। वैसे देखा जाए तो राहुल इतना छोटा तो नहीं है। ठीक है रश्मि, राहुल से मैं बात कर लेता हूँ, तुम अपने लिए एक प्यारी सी बहू ढूंढना शुरू करो। हमारे प्यारे से बेटे ने हमारी वो मुश्किल भी हल कर दी है, राहुल ने अपने लिए लड़की देख ली है। अच्छा, और कौन है ये लड़की? रोहित बताओ। प्लीज बताओ ना। वैसे रोहित तुम ये न्यूज़पेपर तो 3-4 बार पढ़ लेते हो, लेकिन तुम्हारे घर में क्या हो रहा है उसके बारे में तुम्हें बिल्कुल खबर नहीं है। मैडम माफ कर लीजिए, बता भी दीजिए लड़की कौन है। ठीक है बता देते, जानवी। जानवी कोहली? जी हाँ, जानवी कोहली। अच्छा, नॉट बैड।
भाई माँ बदौलत सलीम के चॉइस से खुश हुए। लड़की से कह दो कि आलमपना की बहू का खिताब उसे दिया गया। शुक्रिया। Can I come in? ओहो, मिस्टर प्रेम वर्मा आप? क्या आपके कैबिन से मेरे कैबिन तक कोई रास्ता जाता है? आज तक तो मैं ये समझता था कि सिर्फ हमारे कैबिन से आपके कैबिन तक रास्ते जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, मेरे कैबिन से आपके कैबिन की तरफ कोई रास्ता नहीं जाता, सारे के सारे रास्ते आपके कैबिन से मेरे कैबिन की तरफ। तो आज आप कौन से रास्ते से? मैंने सोचा कि ये जो रास्ता है इस पर मैं एक रिवर्स गियर लगा दूं और यहाँ पर आ जाऊं। यार तेरे पास हर सवाल का जवाब रहता है भाई। जिनके जो दोस्त है ना बहुत सारे सवाल करते हों, उस इंसान को हाजिर जवाब तो होना चाहिए। वैसे जितनी ईमानदारी और शिद्दत के साथ आप ये फाइल देख रहे हैं, जानते भी हैं कि फाइल में है क्या? नहीं, और वैसे भी मैं जानकर क्या करूंगा, क्योंकि ये पूरा ऑफिस जानता है कि आराधना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने आज तक जो तरक्की हासिल की है वो सिर्फ मिस्टर प्रेम वर्मा और मिस्टर केडी शौरी की बदौलत। यह आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस कंपनी की तरक्की में दो आदमियों का हाथ, मिस्टर प्रेम वर्मा और मिस्टर केडी शौरी। लेकिन एक बात और भी सही है कि इस कंपनी की तरक्की के पीछे जो दिमाग है वो मिस्टर जैक कोहली का है। हां यार अब तू भी रहने दे। अरे नहीं, आई एम वेरी श्योर अबाउट माय स्टेटमेंट। यू मे बी सीरियस बट आई वाज जस्ट जोकिंग। देखिए मिस्टर जैक कोहली मेरे लिए बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव मुद्दा है, आप उनके बारे में तमीज से बात करें तो बेहतर होगा, राइट? ओके बॉस, आई एम सॉरी। और अब मिस्टर जैक कोहली मेरे लिए और भी सीरियस और सेंसिटिव मुद्दा हो जाएंगे। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं मिस्टर जय कोहली के सामने एक प्रपोजल रखने वाला हूं। प्लीज 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 प्लीज, नो मोर न्यू प्रपोजल्स। जब तक ये आर्यन पैलेस का प्रपोजल हम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर लेते, कोई और प्रपोजल मेरे सामने मत डिस्कस कर प्लीज। अरे भाई, आर्यन पैलेस से पहले की जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनका क्या? कौन सी जिम्मेदारी? अरे भाई, मैं प्रेम वर्मा एक जवान बेटे का बाप और आप मिस्टर जय कोहली एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सी लड़की के पिता। मैं ये सोच रहा था कि उन दोनों को गेट अप। अरे लेकिन हुआ क्या? I said get up। अरे अचानक हुआ क्या? मिस्टर प्रेम वर्मा, आप एक इकलौते बेटे के बाप हैं और मैं एक इकलौती बेटी का बाप हूं। आप अपने बेटे और मेरी बेटी की बातचीत यहाँ इस ऑफिस में करेंगे? मिस्टर वर्मा, ये बातचीत एक रेस्टोरेंट में होनी चाहिए। बॉस, आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट। इज दैट सो? यस। हाथ मिला ली। लेट्स गो। हेलो। हेलो, आप कौन बात कर रही हैं? कमाल है, फोन आपने किया है, आप कौन बोल रही हैं? जी जी नहीं, एक्चुअली हाथ फोन पर था तो पता नहीं उंगलियों ने कौन सा नंबर घुमा दिया और इत्तेफाक से आपका नंबर लग गया। इत्तेफाक से? ओ, इत्तेफाक से याद आया, कहीं आप सुझाता तो नहीं? अच्छा अच्छा, इत्तेफाक से मुझे भी याद आया, कहीं तुम रश्मि तो नहीं बोल रही? ओ यस, यू आर राइट सुझाता, मैं रश्मि ही हूँ। मेरी तो आदत छूट गई थी लेकिन शायद उंगलियों की अभी तक आदत नहीं छूटी तुम्हारा नंबर मिलाने की। हाथ फोन पर था तो उंगलियों ने तुम्हारा नंबर मिला दिया। अब इत्तेफाक से जब फोन लग गया है तो इत्तेफाक से कुछ बातें भी कर। ये बताओ कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुजाता, एक खुशखबरी सुनानी थी, सोच रही थी कैसे सुनाऊं, कहूँ तो तुम्हें बता दूँ? और इत्तेफाक से मेरे अलावा कोई और है ही नहीं। मैं राहुल की शादी तय करने जा रही हूँ। इट्स ग्रेट न्यूज रश्मि, हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं ना। अच्छा ये बताओ लड़की कौन है? अभी नहीं बताऊंगी, जब शादी की बात पक्की हो जाएगी तब बताऊंगी। सुजाता, अब तुम भी आर्य के लिए जल्दी से कोई लड़की देखो। हाँ वैसे एक लड़की है नजर में। नजर में है कौन? बात पक्की हो जाए तो मैं तुम्हें बता दूं। पक्का? बाय। हेलो फ्रेंड। आओ केरी,
उस ऑक्शन के बारे में मैं तुमसे ऑक्शन की बात बाद में करेंगे केली, पहले मुझे ये बताओ कि वो डिस्प्यूट वाली जमीन जो हमने खरीदी थी उसके पैसों की रिकवरी हुई? हमने जो पेमेंट की थी उसे भूल जाना बेहतर होगा, उसकी रिकवरी मुश्किल है। लेकिन हमने तो पैसे दिए थे और बाकायदा हमें रिसीट मिली थी। लेकिन वो नकली रिसीट थे, उन दो लोगों ने जिनकी डीलिंग मिस्टर कोहली के साथ हुई थी वो दोनों ही गायब हैं। हालांकि हमने फॉर्जरी और चीटिंग का केस दर्ज किया है, बट आई डोंट थिंक कि उनको ढूंढ पाना मुमकिन है। चलो फिर ऑक्शन के बारे में बात करते हैं। हाँ, वो पैसे हमने जमा कर दिए हैं, कल ऑक्शन है। तुम्हें क्या लगता है केडी की बोली कहाँ तक जाने की संभावना है? मेरे ख्याल से 30 करोड़ रुपए तक बोली जाएगी कम से कम। मान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाता है तो इन 30 करोड़ रुपयों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? एग्जैक्टली उसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता था। ऐसा करो कि वो सारे के सारे फाइनेंसर्स जो हमारी कंपनी के साथ पहले डील कर चुके हैं उनकी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ। मीनाक्षी, अगर मैंने कहा कि हाँ मैं बहुत बिजी हूँ और मैं काम से बाहर जाने वाली थी तो क्या तुम वापस चली जाओगी? बिल्कुल नहीं। वैसे क्या है ना आंटी, जब आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रही हो ना तो मुझे आपको डिस्टर्ब करने को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं कंफर्म कर रही थी कि आप अभी बिजी हैं कि नहीं। ठीक है, तो फिर मैं बहुत 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 बिजी हूँ और तुमने मुझे बहुत 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 डिस्टर्ब किया। अब बैठो। ओके, वैसे एक मिनट, ये फाइल आप मेरे, नहीं 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 नहीं, ये आप यहाँ रखेंगी और आप मेरे सामने बैठेंगी। ठीक है, मैं बैठ गई। अब आया मिलने का असली मजा। वैसे भी आंटी, आपको डिस्टर्ब करने का हक तो सिर्फ कुछ ही लोगों को है, राइट? मुझे डिस्टर्ब करने का हक किसी को भी नहीं है, सिर्फ मेरी मीनाक्षी को है। और मीनाक्षी के पापा को? उनको भी नहीं है। इनफैक्ट वेंकटेश तो इतना सेंसिटिव है कि आने से पहले वो रिसेप्शन में ही फोन करके पूछ लेता है कि मैडम बिजी है या नहीं, और अगर मैं बिजी होती हूँ तो वो आता ही नहीं। सेंसिटिव पापा की इनसेंसिटिव बेटी मीनाक्षी। लेकिन मुझे तुम्हारी ये इनसेंसिटिविटी ज्यादा अच्छी लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपनी चीजों पर कभी कभी हक जताना चाहिए, है ना, जैसे तुम जताती हो। Your point has been noted down, auntie. वैसे आंटी, इस पॉइंट पे हम आज शाम को पापा के साथ डिस्कस करेंगे, ओके? अब पापा को फोन लगा दीजिए, मैं बात करूंगी। हेलो, या प्लीज कनेक्ट मी टू वेंकटेश। हेलो। हेलो वेंकटेश, जरा एक सेकंड यहाँ बात करो। हेलो पापा, हाउ आर यू? वैसे पापा, अभी मैंने और आंटी ने डिसाइड किया है कि आज शाम को हम आपके साथ डिनर करेंगे। हाँ हाँ, आपके साथ डिनर करेंगे और रेस्टोरेंट आप ही डिसाइड करना, क्योंकि फाइनली बिल तो आप ही को पे करना है, ओके? लेकिन बेटा पहले मैं काम तो। या बाय 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 बाय। हमने डिनर के लिए कब डिसाइड किया? आंटी, डिसाइड नहीं किया तो डिसाइड कर लेंगे। ओके। वैसे पापा को कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है? पापा को या पापा की बेटी को? पापा को, बिकॉज बिल तो वो पे करने वाले। अच्छा ठीक है। साहिल खान के लिए लेटर है। लाइए, यहाँ साइन कर लीजिए। मैडम यहाँ भी। थैंक यू मैडम। जी उनसे कहिए टोकन भिजवा दें, डील पक्की। हाँ जी, हाँ जी, ओके। हेलो। हेलो मोहसिन। हाँ फौजिया, बोलिए। एक ही सांस में बोलूं या फिर रुक रुक कर? एक खबर है। कैसी खबर मोहसिन?
एक कुरियर आया है जिसमें लिखा है। क्या लिखा है जल्दी बताइए। आप सच कहते थे। अरे क्या कहता था कुरियर में क्या लिखा है कुछ बताएंगे नहीं। इस कुरियर में लिखा है कि साहिल को नौकरी मिल गई है। क्या? हाँ मोहसिन, उसी ओहदे पर और उतनी ही सैलरी जितनी साहिल ने डिमांड की थी। अच्छा, ओके। साहिल को खुशखबरी सुनाई? नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा तो सुनाइएगा भी नहीं। जिस तरह आपने मुझे सरप्राइज दिया है, हम भी साहिल को वैसे ही सरप्राइज दें। ओके ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। करोड़ वाली बात को सुनकर आप लोग चुप क्यों हो गए? कुछ तो कहिए। बोलिए मल्होत्रा साहब, आप कुछ नहीं कहेंगे? इस जमीन की कीमत 30 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा है वर्मा साहब। जबकि हाल ही में आपने 2.5 करोड़ रुपए का गलत फैसला किया है। उस डिस्प्यूटेड लैंड जोशी जी, वो हमारा अपना पैसा डूबा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इनकी तकलीफ वाजिब है, क्योंकि हमारा अपने फाइनेंसर्स के साथ सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि एक घरेलू रिश्ता भी है। और पैसा भले ही इनका डूबे या हमारा, तकलीफ तो इन्हें भी होगी। अरे यार वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग हमारे रिश्ते के इतिहास को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ रिश्ता निभाने में आपको नुकसान नहीं हुआ बल्कि फायदा हुआ। और हाँ, इसके अलावा आप सबकी मैं गलतफहमी दूर करना चाहूँगा कि जैसा आप समझ रहे हैं कि इस जमीन की कीमत 30 करोड़ रुपए है, ऐसा नहीं है। ये किंग्सवे 5 प्रोजेक्ट की कीमत है। और यूं समझिए कि अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया या हम इसे खरीद पाए तो आर्यन पैलेस का फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कीमत 30 करोड़ रुपए आर्यन पैलेस के फर्स्ट फेज की है। लेकिन वर्मा साहब, वो डिस्प्यूटेड लैंड स्कैंडल केस के बाद आर्यन पैलेस का नाम काफी खराब हो चुका है, यहाँ तक कि लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो चुका है। उसे इंटरेस्ट को रीजनरेट करना हमारा मकसद। लेकिन हसनापुर रेजिडेंसी के लोगों को अपना पैसा ज्यादा सेफ लग रहा है। जोशी जी, जब परसों के बाद न्यूज पेपर में एड छपेंगे कि आर्यन पैलेस 25% कंप्लीट हो गया है, तब लोगों का एतबार हमारी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हस्तिनापुर रेजिडेंसी की नींव तक नहीं पड़ी है। आर्यन पैलेस मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरा आप सबसे वादा है कि परसों के बाद हस्तिनापुर रेजिडेंसी से हम काफी आगे निकल जाएंगे। आई प्रॉमिस। ठीक है वर्मा साहब, मैं इस प्रोजेक्ट में फाइनेंस करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।